वो मुकेश पंचोली सर की है, देख लीजिएगा आप, एड्रेस भी देख लीजिएगा, मेरे नाम से है, दौलत ओराडा के नाम से। और इसका रिव्यू करने जा रहे हैं अपन की किस किसका होगा ये देख लीजिएगा, पोस्टल एड्रेस, इसकी रेट वगैरह। तो इसका अपन आज कंप्लीटली इसका ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद में इसका मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। तो ओपन कर लेता हूँ उसको दोस्तों, यहाँ से इस प्रकार से। तो ये ओपन होने जा रही है किताब, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ आपके सामने कंप्लीटली। ध्यान से फाड़िएगा इसको, क्योंकि ये पन्नी से पे, ये जो टेप हो रही है, टेप से पैक हो रही है। तो इसको आराम से यहाँ से खोल दी है। तो दोस्तों ये था एक बॉक्स, और ये कुछ नहीं है, ऐसे ही है। और किताब जो है बहुत ही सुंदर है, और चमन प्रकाशन जयपुर से है, मुकेश पंचोली सर के द्वारा। सभी विषयों के लिए अनिवार्य है, शैक्षिक प्रबंधक पुस्तक है इसका नाम, और ग्रेड फर्स्ट वालों के लिए है। नया सिलेबस के अनुसार है, यहाँ पर दे भी रखे फिक्स रेट के आधार पर। और इधर ये जो पुस्तक है, ये आप एप्स के माध्यम से मंगवा सकते हो। इसकी जो MRP दे रखी है यहाँ पर 100 रुपये दे रखी है, लेकिन ऑनलाइन मंगवाओगे तो आपको ये 150 रुपये की पड़ जाएगी। और यहाँ पर इस कोड वगैरह है सर के, और ये सर का फोटो है। तो आप इस प्रकार से इस पंचोली सर ने बहुत ही अच्छी किताब बनाई है, तो आप सेंड इसको देख सकते हैं। और फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए बहुत ही शानदार जानदार बुक है। और जैसा कि आपने वीडियो भी देखा होगा इन सर का, तो पढ़ाने भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। यहाँ पर इन्होंने सबसे बेस्ट चीज़ ये दी है कि इनकी जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, इसको किताब को, सिलेबस को, पूरे को इसको यूनिट में बांट दिया गया है। यहाँ पर यूनिट सेकंड है, और यूनिट सेकंड के अलावा यहाँ पर यूनिट थर्ड में ये RTE को दे दिया है। टोटल 129 पेज है, और साथ में साथ सॉल्ट पेपर भी है। और इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, अपन इसमें से 15 में से 15 नंबर ला सकते हैं इसको पढ़ करके। तो सभी भाई बंधु जो भी है, इसको ज़रूर मंगवाए, अवश्य मंगवाए। नए पैटर्न के अनुसार बुक आई है, और शानदार जानदार है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इसे ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर लें। और बहुत ही जैसा कि सर ने पढ़ा रखा है, वैसा का वैसा इन्होंने लिख भी रखा है, बहुत अच्छा। मेरा जो है इनका पढ़ा हुआ भी हूँ, मैंने इनसे कोर्स ले रखा है, और मैंने पूरा कोर्स कर भी लिया है। तो कम्प्लीटली किताब नए सिलेबस के आधार पर बनी है, और आप इसे खरीदें। राजस्थान शिक्षा में नवाचार का टॉपिक है, और जो भी शिक्षा दीक्षा जो चली थी, शिक्षा वाणिया कार्यक्रम यहाँ पर दे रखा है, और शिक्षा दर्शन कार्यक्रम जो चल रहा है वर्तमान में, वो भी इसमें दे रखा है। यूनिट थर्ड RTE बहुत ही शानदार से ये जो लिखवा रखा है, वैसा का वैसा ही इसमें भी दे रखा है। और फिर प्रश्न उत्तर जरूर दे रखे हैं, भारत में इस शिक्षा का इतिहास क्या है, वो भी इसमें दे रखा है। मेरे को तो इसमें एक भी गलती नज़र नहीं आई, क्योंकि मैंने इसको देख रखा है अच्छे से पहले, और पढ़ भी रखा है सर से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये भी इन्होंने दे रखा है अपनी पुस्तक में। और जो SIQE यहाँ पर दीक्षा राइस स्माइल और शिक्षा दर्शन शिक्षा वाणी जो है, ये 91 पेज नंबर पे दे रखा है। 91 पेज नंबर निकालते हैं यहाँ पर। शिक्षा में नवाचार, ये टॉपिक नया है। स्टार्स वगैरह स्टार्स है, और यहाँ पर गतिविधियाँ जो भी दे रखी है इन्होंने, यहाँ पर साला दर पर्दा दे रखा है, और स्माइल 3.0 दे रखा है, और हवामाल का जो कार्यक्रम आप देखते हैं अभी चल रहा है जो, और 100 दिवसीय रीडिंग कैंपियन 2022 मध्याह्न भोजन MDM और स्माइल 2 ये भी दे रखा है। जैसा पढ़ाया हुआ है ये दीक्षा है दोस्तों, और दीक्षा जो निष्ठा ट्रेनिंग होती है वो शमशा थोड़ा सा टॉपिक यहाँ दे रखा है, और शमशा कम्प्लीटली इसमें ही है। समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षावाणी कार्यक्रम और शिक्षा दर्शन कार्यक्रम, तो ये इसमें संपूर्ण चीज़ें दे रखी हैं। तो मेरे हिसाब से आप सभी को ये पुस्तक खरीद लेनी चाहिए, जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं,
उन साथियों को, ताकि उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है और वो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद दूसरी पुस्तक के हाथ तक नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों,